मैं इस समय गिरिडीह जिले के पीरटाल प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पालगंज में हूं और मेरे साथ इस समय इस पंचायत की मुखिया प्रत्याशी मालती देवी हैं। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं गिरिडीह जिले के पीरटाल प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पालगंज से मालती देवी मुखिया प्रत्याशी हैं। इनके पति गौरी दास भी हमारे साथ हैं। पीछे आप स्क्रीन पर देखें हजारों की संख्या में महिला और पुरुष इनके समर्थक आप देख रहे हैं हमारी मुखिया कैसी हो, हमारी मुखिया कैसी हो, हमारी मुखिया कैसी हो। आइए मुखिया प्रत्याशी मालती देवी से बात करें। मैडम आपका स्वागत है, आप मुखिया प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही हैं, आपका प्रमुख चुनावी मुद्दा क्या है? अपना गांव विकास करने, गांव और पंचायत का विकास करना, गांव और पंचायत विकास करने। महिलाएं काफी संख्या में आपके साथ है, अगर मुखिया बन गई आप तो महिलाओं के लिए क्या करिएगा? महिलाओं की सारा सुविधा करेंगे, महिलाओं के लिए सभी सरकारी सुविधाओं को आप लाएंगी। पंचायत के लोग आपके साथ काफी संख्या में है, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह दूरबीन, दूरबीन छाप, दूरबीन छाप, दूरबीन छाप आपका चुनाव चिन्ह है। मुखिया बनने के बाद पंचायत का सर्वांगीण विकास होगा, महिलाओं के मान सम्मान की बात होगी। आपकी जनता आपको देख रही है, सुन रही है, क्या आग्रह करेंगे आप अपनी उम्मीदवारी को लेकर? यही उम्मीदवार करेंगे कि अपना गांव विकास करेंगे। जनता आपको सुन रही है, मतदान को लेकर उनसे आप क्या कहिएगा? एक बार मौका दीजिए सेवा करने की, एक बार सेवा करने का मौका दीजिए, ये कहना है मुखिया प्रत्याशी ग्राम पंचायत मालती देवी का। हमारे साथ इनके पति और प्रसिद्ध समाज सेवी गौरी दास भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। दास जी आपका स्वागत है, आपसे जानना चाहेंगे पत्नी इस बार मुखिया का चुनाव लड़ रही है, लोगों का किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए कहने का मतलब हम शुरुआत से विकास तो कर ही रहे हैं, लेकिन जनता कहना है कि एक बार उभर के आइए चुनाव में, है ना, हम लोग खूब मदद करेंगे, है ना, मैदान में आए हैं, जनता मेरे साथ है, तो विकास जैसे करने का मतलब है हम जब आ जाएंगे मुखिया पद में विकास अच्छा से करेंगे। जनता आपके साथ है, आज आप लोगों के साथ अपने पर्सनों के साथ आपकी पत्नी जो है वो पालगंज पंचायत के विभिन्न गांवों का भ्रमण पर निकले, किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है? समर्थन अच्छा मिल रहा है।